पिछले कुछ समय से ब्लूटूथ की चर्चा जोरों पर है। ब्लूटूथ के कॉन्सेप्ट को प्रकाश में लाने वाली कंपनी थी एरिक्सन 1994 में। स्कैंडिनेविया मूल के संस्थापक सदस्य के नाम से ब्लूटूथ की अवधारणा ली गई है। करीब 1000 साल पहले डेनिस राजा हेराल्ड ब्लॉटेंड, जो ब्लूटूथ के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने स्कैंडिनेविया के छोटे राज्यों में कुशल प्रशासन की दृष्टि से इन्हें एकीकृत किया। नई टेक्नोलॉजी का आधार यही है, जिसके तहत एक ही जगह से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित होते हैं। अब हर एप्लीकेशन में ये ब्लूटूथ आ सकता है। आप अपना म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं, कितने आपको तार एक स्पीकर के पीछे लगाना पड़ता है, एक म्यूजिक डेक के पीछे लगाना पड़ता है, सीडी प्लेयर के पीछे लगाना पड़ता है, वो सब आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। आपके डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में कितने आपके तार लगते हैं, वो सब निकल सकते हैं। तो ये अब फोन में जो ऐसे हम बात कर सकते हैं या इसका हैंड फ्री लगा सकते हैं, पर अब इसके साथ बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसकी ये बढ़िया चीज है कि इसमें तो अब लाइन ऑफ साइट भी नहीं चाहिए। ये जो कनेक्टिविटी है, जो तार को बाईपास करके, मतलब इसमें तार नहीं है, वायरलेस तरीके से जो कनेक्टिविटी होती है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, उसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्लूटूथ यानी सीमित दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी अपने साथ अपार संभावनाएं लाई है। इस खास ब्लूटूथ हेडसेट की मदद से कोई भी व्यक्ति बात कर सकता है, भले ही उसका हैंडसेट ब्रीफकेस में कार की पिछली सीट पर क्यों न रखा हो। दूसरा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पैक इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर और मोबाइल हैंडसेट बिना किसी तार के काम कर सकता है। आप अपने ऑफिस के रास्ते में हैं और आपने अपने ब्लूटूथ युक्त हैंडसेट में अपॉइंटमेंट से जुड़ी सूचनाएं डाल दी हैं। जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो आप इस इंफॉर्मेशन को अपने लैपटॉप पर पाते हैं। ये कमाल है ब्लूटूथ इनेबल्ड हैंडसेट का, और ये चमत्कार संभव हुआ बेतार के पद्धति के जरिए। ये नोकिया 6210 साइबर सिल्वर जैसे है, ये इसको ऑन करके अगर मैं अपने बैग में भी रखता हूँ और ये 10 मीटर की रेडियस तक पे है मेरे लैपटॉप के साथ, तो फिर मैं इसको मॉडेम बना सकता हूँ, मतलब वो एक मॉडेम का काम करेगा। एंड मैं नेट पे जाके अपनी मेल डाउनलोड करके अपने आप को दुनिया से कनेक्ट कर सकता हूँ। मोबाइल टेलीफोनी कंपनियां नोकिया और एरिक्सन पिछले कुछ समय से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। एरिक्सन के पास ऐसा ब्लूटूथ पैकेज है जिसे कंपनी के किसी भी मॉडल पर क्लिप किया जा सकता है। केवल मोबाइल फोन उत्पादक ही ब्लूटूथ के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे, बल्कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए तोशिबा ने ब्लूटूथ एनेबल्ड लैपटॉप लाने का फैसला किया है। IBM पहले से ही ब्लूटूथ एनेबल्ड लैपटॉप उपलब्ध करा रही है, जिसके साथ नोकिया फोन मुफ्त में दिया जाता है। ऐसा है कि जब तक वो जो अपने जो बोल रहे हैं कि जो 2000 कंपनी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी अपने चिपसेट्स अपने अपने प्रोडक्ट्स में डालें, जैसे हम बोल रहे हैं कि कैमरा एक छोटा सा डिवाइस आ जाएगा मोबाइल फोन में ही जिसमें कैमरा आ जाएगा। तो अगर आप किसी से हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये कैमरा भी आपका फोटो लेके स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। ये तभी होगा जब कैमरा इंडस्ट्री भी इसमें आए, जब कंप्यूटर इंडस्ट्री भी इसमें आए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा है। सूचना तकनीक के आज के जमाने में बेतार की चीजें कोई सस्ती नहीं है। ब्लूटूथ एनेबल हैंडसेट की कीमत 15,000 से 30,000 रुपए तक पड़ती है। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी पैक का खर्चा 15,000 से 20,000 रुपए तक का बैठता है। जाहिर है जल्दी आपके फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी इस पद्धति के जरिए आपके रिमोट कंसोल में आ सकते हैं। ब्लूटूथ की इतनी क्षमता है कि वो अपना नेटवर्क स्थापित कर सके, एक ऐसी अप्रत्यक्ष ताकत जो मनुष्य और मशीन के बीच की दूरी को समाप्त कर रही है।